वैसे दर्शकों, आपको भी कभी खुजली की बीमारी तो हुई ही होगी। जी हाँ, हम उसी खुजली की बात कर रहे हैं जो कि आपके शरीर में अचानक से हो जाती है और एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि हमारा जीना ही दूभर हो जाता है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं खुजली के बारे में कि कैसे पाएं इस खुजली से छुटकारा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस खुजली के बारे में कि कैसे होती है खुजली। दरअसल खुजली होने की कोई खास कोई वजह नहीं होती है। त्वचा के रूखेपन या फिर किसी एलर्जी के कारण भी खुजली होने लगती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर खुजली लगातार हो रही है तो इसका संबंध लिवर और किडनी से भी हो सकता है, जो काफ़ी गंभीर समस्या बन जाती है। वहीं हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था और इस शोध में पता लगाया गया कि शरीर में खुजली नेट्रीयूरेटिक पॉलीपेप्टाइड बी यानी कि NPPB नामक एक मॉलिक्यूल के कारण होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एक खास नर्व सेल में जाकर जम जाता है, जिसे दिमाग को खुजली होने के संकेत मिल जाते हैं। अब बताते हैं इसके कारण। दरअसल जब हम कई दिनों तक नहाते नहीं हैं तो शरीर पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण खुजली होना शुरू हो जाता है। त्वचा के इन्फेक्शन, रूखेपन और रक्त दूषित होने पर भी खुजली की समस्या और इन्फेक्शन के कारण होने वाले फोड़े फुंसियों के कारण भी उस जगह खुजली होने लगती है। पेट में कीड़े होने की स्थिति में भी खुजली की तीव्र इच्छा जगती है और व्यक्ति खुजली ना करने के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाता है। किसी तरह की एलर्जी या फिर धूप में ज्यादा घूमने की वजह से भी खुजली होने लगती है। पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से भी खुजली हमारे शरीर में होने लगती है। अब बताते हैं इसके उपाय और इसके लिए आप तुलसी का उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, खुजली के लिए ऐसे कई उपाय हैं जिसके लिए आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि तुलसी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और ऐसे में अगर आप पानी में तुलसी डालकर उबालें और दिन में 2 बार इस पानी को पिए, इससे खुजली की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। वहीं बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा त्वचा को मॉइस्चराइज कर खुजली से राहत दिला देता है। इसके लिए जहां खुजली हो वहां पर आप एलोवेरा जेल लगाएं और खुजली बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की बात करें तो पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लें और जहां पर खुजली हो वहां पर आप उस पेस्ट को लगाएं, जल्द ही खुजली से आपको आराम मिल जाएगा। यदि त्वचा में रूखेपन की वजह से खुजली है तो आप इसमें नारियल का तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि त्वचा का रूखापन खत्म करेगा और साथ ही जिस जगह पर आपकी खुजली हो रही हो उस जगह नारियल का तेल लगाएं और खुजली से आपको आराम मिल जाएगा। इतना ही नहीं, दही का उपयोग भी कर सकते हैं। दही हमारे शरीर को ठंडा रखता है, जिससे खुजली की समस्या नहीं होती है, इसलिए रोज दही का सेवन जरूर करें। इसके अलावा चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। यदि आप खुजली वाली जगह बर्फ लगाएं तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा आप नींबू का रस भी खुजली वाली जगह पर लगा सकते हैं और जिससे कि आपको खुजली से तुरंत निजात मिल सकती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप खुजली को दूर भगा सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम घरेलू उपाय लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरन हेल्थ टेक से प्रांशी की रिपोर्ट।